इस वीडियो में हम देखेंगे अकबर का किला, दीवाने आम, किंग थ्रोन, दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल, दीवाने खास, अंगूरी बाग और हरम। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किले की एक खासियत है, इसमें सारे मुगल राजा रहे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इसी किले में औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद कर दिया था, यानी कैद करके रख लिया था। शाहजहां जहाँ कैद थे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल मानी जाती, जो मैं आपको आगे इस किले में बताऊंगा। ये किला बिल्ड किया अकबर 1565। उसके बाद उसका सन जहांगीर आया, उसका सन शाहजहां आया, उसका सन औरंगजेब आया। इस तरह से चार किले इस किले को बिल्ड करने में गई, बनने में टाइम लगा 95 ईयर्स। 4000 वर्कर इस किले में पर डे काम करते थे। अब अब उस टाइम का खर्चा है 35 लाख टोटल बनने। ये कोई डिजाइन नहीं था उस टाइम में, एलिफेंट हॉर्स की सवारी होती ना, स्लिप नॉट, तो स्पीड ब्रेकर होते। ये जगह देख रहे दरवाजे बन रहे, इनका डाक घर था, संदेश भेजने की जगह। ये स्टेबल होते थे, यहाँ पर घोड़े ठड़े खड़े होते थे, कौन से डाक वाले, जो डाक घोड़ा संदेश भेजेगा घोड़े से जाकर। और बाबू ये देखो अलार्म, कोई एनिमी तीनों गेट के दरवाजे छोड़कर बाई चांस अंदर आता है तो घोड़े की जो नाल होते ना आवाज करेंगे टक टक टक, तो सेना अलर्ट होकर गेट के पास खड़ी हो जाए। इसलिए ढलान है 45 फीट का। वहाँ क्या होता था, बंदूक तो होती नहीं, बड़े बड़े पत्थरों के गोल गोल रोलर होते, उसको नीचे फेंक दे दिया जाता, रक्त का रोलर आएगा बीच में, दुश्मन दब जाए मर जाए। और उससे बचने के लिए क्या करेंगे, दीवार का सहारा ले, चैनल है नाली चारों साइड से हॉट टॉयल हॉट वाटर छोड़ते, पूरा रास्ता बाहर तक स्लिपरी बना दिया जाता ताकि उस दुश्मन के पैर जल जाए, स्लिप हो जाए, ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करे। अलार्म सोल्जर होते थे ड्यूटी बाई ड्यूटी आदमी। इस किले का बाबू जो एरिया है ना 2.5 किलोमीटर का, 94 एकड़। और डी शेप में ये किला बना गया है। अकबर बादशाह ने उसी टाइम से दो भागों बांट दिया, 75% उसे सेना के लिए बनाया, अपनी सोल्जर होते थे क्या 16000 सैनिक थे वो उस साइड में रहते थे, रेलिंग के आउट साइड में, मुगल टाइम मुगल सोल्जर, ब्रिटिश शासन है ब्रिटिश सोल्जर, अपना टाइम इंडियन आर्मी यूज कर रहा है। जो 25% राजमहल था ना वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जहांगीर के महल से, जो घूमता घूमता अपना दीवाने में खत्म हो। गोल टॉप देख रहा बीच में रखा हुआ, जैसे ये बाथ टॉप, जब सलीम बादशाह छोटे थे जहांगीर इसके अंदर स्नान करते नहाते थे। तीन सीढ़ी तो इसकी बाहर है, तीन है अंदर। इसको सोना चांदी से भरकर गिफ्ट दिया था राजा मानसिंह ने, जहांगीर बादशाह के मामा था। और भैया ये महल में रखा था पहले इसके अंदर, बाद में रखा गया है। दोनों साइड में वेलकम के लिए सेनाई वादक होते थे, कोई एंट्री करेगा सेनाई बजाएंगे, पता चल जाएगा कोई हमारे। मुगल टाइम में पर्दा यूज किया गया दरवाजा नहीं। ये क्या था, बेडरूम था इसका जहांगीर बादशाह, पर्दे डाले रूम बन जाते थे। और भाई साहब जमीन पर क्या हुआ, कालीन बिछे होते थे, मोटे मोटे ईरानी गलीचे इसमें लेटते थे। सिक्योरिटी में किन्नर और हिजड़े होते थे, भाला लेकर बाहर खड़े, बिना इजाजत के कोई प्रवेश नहीं करेगा। अलार्म भी कुछ नहीं होता, जैसे राजा रानी सो रहा है उसको जगाने के लिए मॉर्निंग टाइम, उनकी जो दासी होती है ना पैरों के अंदर पायल गुरु बांधकर, छोटा सा गेट इसके अंदर गैलरी है, अंदर जाएगी जैसे पता चल जाएगा मॉर्निंग सुबह हो गई। पीछे वाला सब पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, ये खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल। पीछे रूम का जोधा भाई, अकबर की बीवी थी, जहांगीर की माँ थी, हिंदू थी, टेम्पल भी था इसमें राधा कृष्णा की मूर्ति की, बाद में हटा दिया। ये क्या था, डाइनिंग, ये पुस्तकालय, लाइब्रेरी, बेडरूम, ये जोधा भाई का रूम। कभी भी इसके लिए कोई फंक्शन होता है, ईद या बर्थडे, उन पर टॉप पे तो राजा बैठेगा जरूर थे ना, पर्दे की रानी, छोटे छोटे गेटों में दासी खड़ी होंगी। इसी आंगन में अनार कली और कांसन के मुजरे होते, ऊपर से वो लोग देख के नीचे नाचने चलते। सीमेंट में मिट्टी, गोबर, उड़द की दाल, बेलपत्र, बतासा, अंडा, गोंद, सुरखी चूना, इस केमिकल को इकट्ठा करके एक गड्ढे में डालते, उसमें जो महीने दो महीने उसको गलाई गोंद जैसा उससे चिपका दे, इतना मजबूत था इसको आग नहीं जला सकती, पानी जैसे 500 साल बिल्डिंग पुरानी अभी भी टिके हुए। उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, अब रोशनी के लैंप दिए मशाल लगाते थे, घी के दिए जलते थे, लेकिन एसी कैसे बनाएंगे, क्या बुद्धि था कमरे ठंडे करने का। ये छत पर पानी का टंकी, वाटर टैंक, इसमें आदमी पानी भरते ठंडा गर्म मौसम के हिसाब से, सर्दी का मौसम गर्म पानी, गर्मी का मौसम ठंडा पानी,
लेदर की बैग होती थी उसको बोलते मश्क, उसमें पानी भरकर सीढ़ियों द्वारा आदमी टंकी भरता। अब महलों की दीवारें होलो है, दो दीवारों के बीच में जगह है, टैंक का पानी दीवार के अंदर भर जाएगा, कमरे ठंडे और गर्म। इसे बोलते हैं नेचुरल एसी। दिखाता हूँ आपको, बोलो आप ये खिड़की दिख रहा है भैया कैसा दिख रहा है, ओपन खुला हुआ दिख रहा है आपको, इसको बाहर खड़े ऊपर देखिए इस तरह से बंद देखिएगा, ये उस जमाने का एसी था, हवा के ओपन। आओ बजाओ भाई बजाओ, जैसे आवाज आएगी दीवार से टकरा के अंदर चली जाएगी और गर्म हवा का वेट कम होता है बाहर निकल जाएगा। ये शाहजहां की बेटी का रूम रोशनारा महल, ऊपर सोना होता था, अंग्रेज ले गए पीतल लगा गए। इस महल का डिजाइन भैया पाल की डोली, शाहजहां ने अपनी लड़कियों की शादी नहीं की तो रहने के लिए घर बनाए पाल की। शादी क्यों नहीं भैया, क्यों नहीं की? मुगलों का जो टाइटल मिर्जा था, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, तो मुगल नाम की उनको उपाधि दी, सबसे ऊंचा खानदान समझते थे। और लड़की देगा लड़के वाले का ओहदा बड़ा होता है, उसके सामने झुकना पड़ेगा, झुकने के कारण अपनी बहन बेटियों की ये शादी। ताज, ताजमहल यमुना रिवर, और ये खंडक है, इसमें क्रोकोडाइल, वाइल्ड ड्राइंग और जंगली जानवर। और भाऊ ये ताजमहल साजा बादशाह ने अपनी बीवी मुमताज की याद में बनाया था मरने के बाद, साजा बादशाह काला ताज उसके सामने और बना रहे थे अपनी कब्र के। ये पहले के लिए सब तो सोना लगा था, गोल्ड सब अंग्रेजों ने लूट लिया, ये आयरन तो फिर जो कपड़ा होगा रस्सी से तेज रस्सी से बना गया थे, लाइट चलाते खेतियों से हवा की भी कूलिंग थी। अच्छे इसमें जेम्स थे, हीरे मोती, इनके लाइट के रिफ्लेक्शन से रोशनी होती, सब अगले होती। फाउंटेन दिख रहा है ना, परफ्यूम सुगंध के लिए चलाई जाती थी, स्मेल के लिए। तो ये फवारे चलेंगे कैसे, ना तो लाइट, ना मोटर, ना पंप। छत पर सीधा पानी का टंकी है, उसमें यमुना नदी से लाकर आदमी से पानी भरवा, इसके अंदर नालियां पाइप, ऊपर से पानी छोड़ते तो पानी के प्रेशर द्वारा फवारे चलने लगते। गार्डन का नाम है अंगूरी बाग। ये दरवाजे बंद ऊपर नीचे, ये हर्म होता था, हर्म समझते हो, लेडीजों की रहने की जगह, जनान खाना। इनके बहुत सी रानी होती, किसी राजा से जीत लिया, कोई सुंदर दासी रफेल बना के। बड़ी बेटी जहानारा करूंगा, वो रोशनारा या जहानारा दोनों पहले शेम, ये भी गोल्ड होता था। रोशनारा जो थी अपने भाई औरंगजेब का साथ देती थी, उसने मरते दम औरंगजेब का जो खाना जाता था चक्के भेजती थी रोशनारा। ये जहानारा अपने पिता साजा का साथ देती, जब औरंगजेब ने साजा को नजरबंद कर दिया, कैदी बना दी, इसने सेवा कर दी जब तक साजा मर नहीं गई, जब तक सेवा। दिखाता हूँ दुनिया का सबसे सुंदर जेल, साजा का बंदी ग्रह। ये जेल है, इसको जेल बोल सकते हो आप? नहीं, इस जगह का नाम था मुशम्मनपुर, तो साजा की लॉबी थी, पेट लूटने की जगह थी, उसी के घर में उसको हाउस अरेस्ट किया गया। बस ये कहा था आप यहाँ पर बैठी, आप कहीं जा गई, नजरबंद हुआ, सिक्योरिटी खड़ी होती थी। और ये वर्क है ना, इसको पेट्रा डूगा वर्क बोलती है, जेम्स है, इसको उसमें काट काट के गिरा दिया, पंगा नीलम, ये अंग्रेजों ने लूट लिया। 1658 to 1666, 8 years, 8 वर्ष तक साजा बादशाह नजरबंद रहे, जब बुढ़ापे में किया गया। मिर्जा हाकिम काबुल पहुंच चुका और फतेह का दावा कर रहा है, उसकी ताकत और हिमाकत बढ़ती जा रही है, जहां पर हमारा मजाक उड़ा रहा है, उसे बहुत मौके दे चुके हैं हम, अब उसकी ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकना है। उसकी जागीर, जब उसके पास ना जमीन होगी ना दौलत ना सिपाही, तो जंग करने की हिम्मत नहीं करेगा वो। बिल्कुल वही हीरा आगे चलकर कोहनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये वजू करने के लिए फाउंटेन था, अंदर साजा बैठे रहते। हीरे का क्या था, हीरे का कोहनूर,
और कंकरियों के पास लगा दिया था दिखाने के लिए, उसमें ये सुरंग था ताजमहल का अंडरग्राउंड ताजमहल का, ये सुरंग है भाई ताजमहल का, ये मीना बाजार था, यहाँ की जो रानी महारानी थी पर्दे में रहती थी, बाहर नहीं जाती, तो नीचे डोर बंद सब में दुकानें होती थी, रानी महारानी इसमें खरीदारी करते हर फ्राइडे को लगता है, ये जारी लगा उसमें टकसाल का पैसा बनने की जगह मिंट खजाना, ऊपर डोर बंद है ये टैक्स ऑफिस कार्यालय दफ्तर, कोने में एक और मस्जिद है नगीना मस्जिद, उसमें हर्म की लेडी नमाज पढ़ती, ये दीवाने खास है प्राइवेट मीटिंग हॉल, यहाँ पर खास लोगों की मीटिंग, जैसे महामंगा टोटल मान सिंह हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दीवाने खास में तशरीफ ला रहे हैं। मानसिंह जी ये मार्बल का पीस है, इस पर मंत्री बैठेगा, वो काला पत्थर उस पर राजा बैठेगा, और लोगों के लिए कालीन बिछी होगी, ये भाई साहब कोई मामूली पत्थर नहीं कसौटी पत्थर, कसौटी समझते हो जो सुनार के पास होता ना सोना टेस्ट करने वाला पत्थर, जो वाला बेल्जियम से लाएगा, और इसी पत्थर का दूसरा ताज इसके सामने तो बना ही नहीं क्या? नहीं बनने ही नहीं दिया ना औरंगजेब ने, थोड़ा सा भी रोक लगा तो इस पे क्या था भैया सिंहासन बना दो, जमाने में अटैक किया अंग्रेजों ने रहने के लिए तो यमुना की दर्शन तूप के गोली डाल छतरी पे लगे टूट के पत्थर कट गया, उसी में से गोला सिर्फ ऊपर दीवार बन लगा छोटा सा हॉल वहाँ पे ये एरिया दीवाने आम है, वो दीवाने खास था और ये दीवाने आम है, यहाँ पर जो भी आवाम होती थी जनता होती थी उसकी यहाँ पर शिकायतें लगती थी, यहाँ पर राजा अपनी जनता आवाम की दिक्कतें और परेशानी सुनता था, यहाँ पे उनके मैटर सॉल्व करता था। सीरीज़ ख़त्म होती है और अब अगली सीरीज़ आएगी मथुरा और वृंदावन की, तो उसके पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।